परमादरणीय प्रातस्मरणीय अनंत श्री समलंकृत श्री सद्गुरुदेव भगवान के युगल पावन पवित्र चरणारविंदों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। परमादरणीय पूज्य स्वामी श्री उमानंद सरस्वती जी महाराज स्वामी जी के ही पार्श्वभाग में विराजमान पूज्य स्वामी जी महाराज युगल यति वृंद के युगल पावन पवित्र चरणारविंदों में मैं बारंबार वंदन करता हूं। परमादरणीय पूज्य विद्वत वृंद हमारे श्री राघवेंद्र की पावन पवित्र गाथा से अनुराग रखने वाले भक्त वृंद एवं मातृशक्ति आप सभी भी हमारे सांवरे सदों ने सरकार की अनेकानेक आकारों में विराजमान है, अपने सरकार की अनेकानेक आकृतियां देख करके आप सबके भी पावन चरणों में मैं बारंबार वंदन करता हूं। आओ हम सब मिलकर अपनी मति को सती बनाने के लिए वहां ले चले जहां बड़े बड़े महात्मा विराजमान हैं, जहां श्री वेद व्यास जी महाराज भी विराजमान हैं, वशिष्ठ हैं, चवन हैं, गौतम हैं, विश्वामित्र हैं, वशिष्ठ जी महाराज श्री राघवेंद्र सरकार को बड़ा मधुर उपदेश दे रहे हैं जिसको हम कई दिवसों से श्रवण कर रहे हैं। राघवेंद्र सरकार संपूर्ण जगत से वैराग्यशाली बनकर के गुरु चरणों में अनुरागी बनकर के विश्वास संपन्न होकर आज उनके चरणों में बैठे हैं। हमारे जीवन में सच्चा प्रबोध तब होता है जब ये संसार हमको दुख रूप लगने लगे, तभी इससे वैराग्य होगा, और जब इससे वैराग्य होगा तभी तो हम गुरु चरणों में पहुंचेंगे। अगर संसार हमको सुखदायी लगता है, आनंद देने वाला लगता है, आनंद प्रमोद का हेतु बनता है तो फिर संसार से वैराग्य होने वाला नहीं है। संसार से वैराग्य के हेतु तो कई हैं, कई बार संसार की परिस्थितियां ही हमको वैराग्यशालिनी बना देती हैं, परिस्थितियां हमको वैराग्य की ओर प्रयुक्त कर देती हैं। परिस्थिति के बस यदि व्यक्ति वैराग्यशाली बनता भी है तो कई बार जब तक वह आवेग रहता है तब तक तो वैराग्य रहता है, आवेग शांत होने के बाद वह वैराग्य भी शांत हो जाता है। और कई बार ये भी देखा गया है कि किसी कारण से हम वैराग्यशाली तो बनकर आए तो जो वैराग्य का हेतु बना, जो वैराग्य का कारण बना, हम उससे द्वेष वृत्ति लेकर अलग होते हैं, उससे घृणा का भाव अलग ले होकर के अलग होते हैं। वैसे चिंतन तो ये करना चाहिए कि जिसने हमारे जीवन में वैराग्य कराया है वह हमारा वंदनीय है, वो हमारा निंदनीय नहीं है, क्योंकि अगर वो वैराग्य न कराता तो हमारे जीवन में ये प्रबोध की धारा में हम कैसे बहते। कोई न कोई कारण से हम लोग ऋषि के शादी आ जाते हैं तो यदि वो कारण न बनता तो निश्चित रूप से हमको गुरुजनों का संग कहां से मिलता, ये गंगा का पावन किनारा कहां से मिलता, सत्संग की धारा कहां से मिलती, तो उनके हमको ऋणी होना चाहिए। तो द्वेष का परित्याग करके कई बार हम लोग भगवान का चिंतन कम करते हैं, जिसने वैराग्य दिलाया है उसका चिंतन ज्यादा करते हैं, बार बार घृणा के भाव से भर जाते हैं। अच्छा, तीसरी दृष्टि ध्यान देने लायक दृष्टि है जो श्री राघवेंद्र सरकार के जीवन में है। राघवेंद्र सरकार के जीवन में कोई उनको वैराग्य दिलाने का हेतु नहीं है, कारण नहीं है, क्योंकि समाज के सभी लोग श्री राघव को बहुत मानते हैं, पिताजी को तो प्राणों से ज्यादा प्रिय है और माताओं के दुलारे हैं, तीनों माताएं इनको चाहती हैं। आप कवितावली रामायण आदि पढ़िएगा तो पता चलेगा कैकेयी मैया भी इनको बहुत मानती थी, कैकेयी मैया बरस से ज्यादा राम जी को मानती थी, वो कभी भी
आकर के दौड़ करके राम जी आते थे तो ब्रह्मा कहके इनको इतना प्रेम देती जितना भरत को नहीं देती थी। तो समाज में प्रेम भी मिल रहा था, सम्मान भी मिल रहा था, सुविधाएं भी मिल रही थी, राजकुमार थे, भविष्य में भी राजा बनने के ही चांस है, और ऐसे राजा ऐसे राज्य का राज्य मिलना है, इनको राजपद मिलना है, जिस राज्य के वैभव को देख करके इंद्रादि कामना करते हैं, किंतु उसके बाद भी इनको वैराग्य हुआ विचार से। ये विवेक पूर्ण जो विचार से वैराग्य होता है ये टिकाऊ होता है, और विचार करना भी चाहिए। हमारे श्री भर्तृहरि जी का एक श्लोक है, हमको बहुत प्यारा लगता है वो। भर्तृहरि जी महाराज कहते हैं, आदित्यस्य गतागतई रह रहो संचियते जीवनम, आदित्यस्य गतागतई रह रहो संचियते जीवनम, व्यापारस्य बहुकार भार गुरुभिः कालोऽपि न ज्ञायते, दृष्ट्वा जन्म जरा विपत्ति मरणम त्रासश्च नोत्पद्यते, पीत्वा मोहमयी प्रमाद मदिराम उन्मत्त भूतम जगत। हमारे ये राजा का मानना तो ये है, इनका कहना है कि सूर्य प्रातः काल उदित होता है और सायंकाल अस्ताचल को चला जाता है, रात्रि आती है फिर प्रभात आ जाता है, ऐसे रात दिन बीतने से हमारी आयु क्षीण हो रही है। मानो यदि किसी को 70 साल 80 साल की आयु मिली हो तो जितने दिन महाराज ये बीतते हैं उतनी हमारी आयु से दिन कम हो गए कि नहीं हो गए, हमारी यात्रा शरीर की मौत की ओर हो रही है। तो ये ध्यान करके अभी भले सुविधा सम्मान संपत्ति सब मिली हुई है किंतु बाद में ये सब छिन जाने वाली है, ये रोज रोज हमारे न चाहने के बाद भी ये शरीर मृत्यु की ओर गमन कर रहा है, ये विचार करें तो वैराग्य हो जाए। अथवा ये कहते हैं व्यापार से बहुकार भार गुरु भी, इतनी जिम्मेदारियां आ गई, इतने व्यापार बढ़ गए, व्यापार माने रुपया कमाना ही नहीं, हमारे यहाँ व्यापार माने व्यवहार, इतना व्यवहार बढ़ गया, इतना व्यवहार बढ़ गया कि महाराज कब आयु बीत रही इसका पता ही नहीं चलता। इतना ही नहीं, दृष्टवा जन्म जरा विपत्ति मरणम, हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं, इस बालक का जन्म हुआ है तो ये निश्चित है जो जन्म हुआ है वो मरेगा निश्चित, लोगों की मौत में भी जाते हैं, कितनी बार मरघट तक पहुंचाने के लिए आप लोग भी गए होंगे, कितने लोगों को हमने तो महाराज वृंदावन में कम से कम ईश्वर की कृपा से 50 साधुओं को कंधा दे करके पहुंचाया है, यहाँ तो एक साधु के साथ नहीं गए, वहां तो महाराज कोई भी जाता है तो व्यवहार के कारण भी जाना पड़ता है, अपनी रुचि भी है, दोनों बातें हैं, मरघट में जाने की रुचि है। तो मैंने देखा कि लोगों को जब हम छोड़ करके आते हैं उस समय तो महाराज लगता है कि ऐसे ही अपने राम भी जाने वाले हैं, तो ये देखिए इसको देख करके भी वैराग्य हो जाए, किंतु महाराज कैसी भगवान की माया है आपको क्या कहें। विपत्ति देखते हैं, मरण देखते हैं, वृद्धावस्था देखते हैं, रोग देखते हैं, लोगों को तलपते हुए देखते हैं, तब भी हम सोचते हैं शायद हमको ये नहीं आएगा, इनको जरूर आया होगा, उसके बाद भी त्रास उत्पन्न नहीं होता है, त्रासोस उत्पद्यते का ही प्राय वैराग्य उत्पन्न नहीं होता है। तो वैराग्य न उत्पन्न होने का कारण ये संत कहते हैं, बोले पीत्वा मोहमयी प्रमाद मदिराम, इन सब ने एक शराब पी रखी है, इस शराब का नाम है मोह, ये मोह वैचित्य है, इस महाराज मोह के कारण व्यक्ति को वैराग्य उत्पन्न नहीं होता है। देखो भाई विचार करो चिंतन करो कि वैराग्य की कितनी आवश्यकता हमारे जीवन में है। वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा, यदि रस किसी से भी मिलने वाला है तो वैराग्य रस से ही रस मिलने वाला है, बिना वैराग्य के रसोत्पत्ति जीवन में नहीं होगी। तो श्री राघवेंद्र सरकार तो ये तो ज्ञान बता रही हैं,
ये वैसे तो भगवान के जितने भी अवतार होते हैं, किसी में सत प्रधान होता है, किसी में चित प्रधान होता है, किसी में आनंद प्रधान होता है। भगवान के जैसे हंसावतार है, ये चित प्रधान है। कपिल भगवान का अवतार, ये चित प्रधान है। वेदव्यास जी महाराज का अवतार, ये चित प्रधान है। संकादियों का अवतार, ये चित प्रधान है। वैसे राम जी का जो अवतार है वो सत प्रधान है, और हमारे कन्हैया का जो अवतार है वो आनंद प्रधान है। इसलिए कन्हैया का जब हम लोग जन्मोत्सव मनाते हैं तो ये नहीं कहते नंद के घर में लाला हुआ, नंद घर आनंद भयो, जाता लादा, लादा जाता आनंद जाता। तो श्री राघवेंद्र सरकार जो हमारे ये सत प्रधान है, और यदि जीवन सत प्रधान हो, मैं निवेदन और कहूं, ये सत को धर्म प्रधान ले लीजिए, यदि हमारा जीवन धर्म प्रधान है तब भी हमारे जीवन में वैराग्य निश्चित होगा ही होगा। वैराग्य व्यक्ति के जीवन में धर्म से आता ही आता है। यदि हमारे जीवन में वैराग्य नहीं आ रहा है तो अनुशीलन कीजिए, और कहीं न कहीं धर्माचरण हमारे जीवन से दूर चला गया है। यदि हमारे जीवन में धर्म होगा, धर्म पूर्वक करने वाला व्यक्ति व्यवहार, उसको आज नहीं तो कल उसको वैराग्य होगा ही होगा। जिसके जीवन में धर्माचरण है उसके जीवन में वैराग्य है। तो श्री राघवेंद्र सरकार के चित्त में वैराग्य है, और वैराग्य के कारण उनके जीवन की जो रहनी है बदल गई है। देखो भाई, ध्यान रखना, वैराग्य हमारे मन में हो ये बहुत आवश्यक है, किंतु जो चीज मन में होती है वह तन में लक्षित होने ही लगती है, ये नियम है। आपके हृदय के भाव आपकी आंखों से झांकने लगते हैं, आपके हृदय के भाव आपके आंखों से झांकने लगते हैं। आपका जैसा जीवन होता है वो आपके मुख चंद्र पर नजर आने लगता है। हमारे महात्मा कहते हैं, वो महाराज आप लोगों ने सुना होगा, बड़े प्रेम से कहते हुए फिल्म पुराण का श्लोक, वो फिल्म पुराण बोलते हैं, कहा वो सुना होगा, महाराज जैसी जिसकी भावना होती ना, लाभ छुपाओ छुप न सकेगा, राज ये कितना गहरा, दिल की बात बता देता है। अरे बोल दो, सबको याद होगा भाई, असली नकली चेहरा जोशी जी को देखो पूरा याद है। तो मूल निवेदन हमारा ये है कि जो हृदयगत कहते हैं हमसे मन से बैरागी हैं, कई लोग बोलते हैं हम मन से बैरागी हैं, नारायण मन में वैराग्य आएगा तो तन में लक्षित होने ही लगेगा। अब ये निश्चित है, अवश्यम भावी है। जैसे आप हृदय से भगवान के प्रेमी बनोगे तो आपकी आंखें बताने लगेंगी, आपका मुखचंद्र बताने लगेगा निश्चित रूप से। हमारे दृष्टिकों का तो मानना ये है कि महाराज कोई कितना ही प्रेम को छुपाए, कितना भी प्रेम को छुपाए, किंतु प्रेम प्रकट हो ही जाता है, वह नैनो से अश्रु बनकर प्रकट हो जाता है। प्रेम छुपाए ना छुपे, जाघट प्रगट हो, मुख से यदि कछु ना कहे तो नैन देते हैं रोए, ये प्रेम प्रकट हो जाता है। आंखें बता देती हैं प्रेमी व्यक्ति का कैसा इसका हृदय है। वैसे यदि हमारे जीवन में वैराग्य है तो वैराग्य हमारे जीवन में भी लक्षित होगा। आपने सुना ही राम जी के जीवन में तो वैराग्य पूर्ण रूप से लक्षित होने लगा था। आभूषण भाते नहीं थे, वस्त्र भाते नहीं थे, भोजन भाता नहीं था, सैया भाती नहीं थी, जगत चर्चा सुहाती नहीं थी। नारायण हरि भजन में नारायण जी महाराज कहते हैं दो चीजें नहीं सुहाती, बहु बात सुहाती नहीं है, और दूसरा क्या है भाई मैं भूल गया, अच्छा ये पांचों ने सुहाए, कौन कौन, जगत प्रीत विषय भोग निद्रा हसी जगत प्रीति बहुबात, जगत प्रीति बहुबात। ये देखिए पांच चीजें व्यक्ति के चित्त में वैराग्य आते ही, प्रेम आते ही सुहाना नहीं लगेगा।
न तो ज्यादा चर्चा आपको समझ में आएगी, न जगत से प्रीति रहेगी। ये लक्षण आपके जीवन में अपने आप घटने लगेंगे। तो राम जी के जीवन में चीजें घट रही थी सारी, और श्री हमारे गुरुजन अर्जुन के चरणों में पहुंच गए, भगवान श्री राघवेंद्र उनके चरणों में पहुंचे और राघवेंद्र के चरणों में वो पहुंच गए। अनुन्याश्रित है ऐसे ढंग से महाराज जो पहुंचे। तो राम जी ने प्रश्न किए हैं, यहां भी एक प्रश्न है जिसकी चर्चा हम लोग कल से कर रहे हैं। इन्होंने कहा ये जगत का, ये जगत दुख देता है। राघवेंद्र सरकार ने कहा ये जगत दुख देता है, बोले जो है ही नहीं वो दुख क्या देगा। जगत का अत्यंता भाव है, और जगत का अत्यंता भाव है यह दर्शाने के लिए इन्होंने एक बड़ा रसीला आख्यान सुनाया है। एक मंडप में ही आख्यान हुआ है, ये बड़े विशद ढंग से इस आख्यान का वर्णन हमारे श्री वशिष्ठ जी महाराज ने किया है। इस आख्यान, वैसे तो मैं निवेदन करूं, दर्शन को दर्शाने के लिए ही दृष्टांत होते हैं। ये जो आख्यान सुनाए जाते हैं, कथाएं सुनाई जाती हैं, इन कथाओं के बीच में ही दर्शन समाया रहता है। इनकी वार्तालाप में यदि कथा केवल कथा रह जाए, उसमें दर्शन ना आए, तो ये रस शून्य फल हो जाएगा। रस शून्य फल, जिसमें रस है ही नहीं। तो याद रखिएगा, ये जितने हमारे रामायण में, उपनिषदों में तो ज्यादा दृष्टांत नहीं है, बहुत संक्षेप में सम्यतोदी के दो चार में है, कोई सामान्य दृष्टांत सुना करके निकल गए। पुराणों में जो ये दृष्टांत की परंपरा है समझाने के लिए ही, किंतु महाराज उसमें दर्शन समाया ही रहता है। हमने तो महाराज भागवत पुराण में ऐसा एक भी दृष्टांत नहीं देखा। हम तो सुखदेव गुरुदेव के चरणों में पाठ करते करते बलिहारी हो जाते हैं। रसीले से रसीले प्रसंग में ये विरक्त शिरोमणि श्री सुखदेव गुरुदेव अद्वैत की चर्चा कर ही देते हैं। अद्वैत में रमण करने के कारण भागवत का एक भी स्कंद, एक भी अध्याय ऐसा नहीं है जिसमें वेदांत की चर्चा न हो, एक भी अध्याय। हम तो कई बार दंग रह जाते हैं ऐसे ऐसे प्रसंगों में भी, रास के प्रसंगों में, लीला के प्रसंगों में भी, वहां पर भी सुखदेव जी महाराज अपना दर्शन देना छोड़ते नहीं है, अपनी बात कहना नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि रसो उत्पन्न होता इसी से है। तो मैं निवेदन कर रहा था, यहां श्री राघवेंद्र सरकार को श्री वशिष्ठ जी महाराज ने एक उपाख्यान सुनाया है, आख्यायिका सुनाई है, जिसमें पद्म नाम का राजा है और उसकी धर्म पत्नी का नाम लीला है। कल आप लोग सुने इसका विस्तार से, आज भी इसके जो दर्शन की चर्चा है वह तो मैं करूंगा ही करूंगा। इसने कई वर्षों तक खूब भोग भोगा, दोनों राजा ने और लीला ने, दोनों ने मिलकर के। भोग की जीवन में कोई कमी नहीं है, किंतु जीवन में लीला के आराधना है। देखो भाई, भगवान की ओर बढ़ने के लिए आराधना बनी रहनी चाहिए। आराधना के बगैर चित्त कई बार दिग्भ्रांत हो जाता है। वैराग्य की आवश्यकता है, किंतु वैराग्य के साथ साथ कोई न कोई इष्ट की आराधना बनी रहनी चाहिए। और जो साधक, जो हमारे संत जन आराधना के माध्यम से बढ़ते हैं, उधर आप देखिए उनका जीवन भी रसीला रहता है, जीवन भी रस से भरा रहता है। तो इनके जीवन में आराधना है लीला के, वो आराधना किसकी करती है? सरस्वती मैया की। ये चित्त जो देवी, ज्ञान की देवी, ज्ञान की देवी जो है, चित्त और चित्त में बहुत फर्क है, चित्त और चित्त में बहुत फर्क है। तो ये चित्त प्रधान देवी है, ज्ञान प्रधान, ज्ञान की जो है देवी है सरस्वती, इनकी आराधना है इनके जीवन में। तो कहीं न कहीं यदि हमारे जीवन में आराधना बनी रहे, देखो इन उपाख्यानों से ध्यान देने लायक है, आराधना भी हमारे जीवन में हमको सही दिशा दिखाने वाली है। क्योंकि तो इष्ट के आश्रित रहेंगे ना, इष्ट के आश्रित रहने के कारण कहीं न कहीं वह इष्ट प्रकट होकर हमारे जीवन में करुणा करता ही रहता है। इष्ट एक बार यदि हाथ पकड़ ले तो इष्ट कभी परित्याग कभी करता नहीं है।
तो ये लीला के जीवन में सब बातें थी, इसमें एक जो मेन बात थी आज मैं इसका चिंतन कर रहा था, इनके जीवन की विलक्षणताओं में जो ये बोध की ओर अग्रसित हुई उसके पीछे इनके जीवन में आराधना थी माँ सरस्वती की। और सरस्वती की आराधना से महाराज इन्होंने भले ही सकाम आराधना थी, संसार से आप चाहे कितने निष्काम होकर जुड़ो सकाम हो जाओगे, और भगवान से आप चाहे जितने सकाम होकर जुड़ो एक दिन निष्काम हो जाओगे, भगवान से जुड़ने में फायदा ही फायदा है। और हमारे महाराज जी तो एक बात और कहते थे, महाराज जी कहते थे सकामता में पकड़ है और निष्कामता में पकड़ नहीं है। सकामता में पकड़ कैसे है, यदि हमको आपसे कुछ लाभ होने वाला हो कोई एक्स वाई जेड किसी भी व्यक्ति से, तो यदि आप थोड़ा कड़वा भी बोलोगे तो हम हंसकर बोलेंगे आप हमसे प्रेम मांगते हो इसलिए अंदर से ऐसा बोल रहे हो, चाहे अंदर से भले बुरा लग रहा हो, क्योंकि तब भी हम पकड़ कर रखेंगे, नहीं जानते ये छूट जाएगा, और ये छूट जाएगा तो फिर मामला मिलेगा नहीं जो लाभ होने वाला है। तो कड़वी बात लगने पर भी हम उसको पकड़ कर रखते हैं कि नहीं रखते, मनोनुकूल व्यापार न होने के बाद भी हम उस व्यक्ति को पकड़ कर रखते हैं जिससे लाभ होने वाला है। तो परमात्मा से आप सकाम होकर भी जुड़ोगे तो महर्षि कहते थे घबराने की बात नहीं है, एक न एक दिन आपके जीवन में निष्कामता आ ही जाएगी, और जब निष्कामता आपके जीवन में आई इनकी तो सकामता ही थी। ये लीला ने जब संसार की लीला देखी तो लीला ने विचार किया कि जो लीला चल रही हमारे विषय भोग की, राजा के राजपाट की, ये आज नहीं तो कल इस लीला का विश्राम होगा ही होगा। और अपने पति से उसको इतना प्यार हो गया था कि उसका संग वा छोड़ना नहीं चाहती थी, उससे अलग नहीं होना चाहती थी। तो प्रयास तो ये था, अधिकतर हमारी माताओं का यही प्रयास होता है, ईश्वर से प्रार्थना भी यही होती है कि मरण तो होना ही होना है, किंतु महाराज कृपा ऐसी हो कि पति के पहले मरण हो जाए, पति के पहले मरण हो जाए। और यदि पति के बाद मरण होता है तो यह आशा रहती है कि पति की छत्र छाया बनी रहे। उन्होंने इसी आराधना क्रम इनकी आराधना का यही था आप लोगों ने सुना, तो उनकी कामना यही थी कि पति का भले शरीर पूरा हो जाए, क्योंकि मृत्यु वाला शरीर है, जन्मा है इसलिए मरेगा, तो इसका जो सूक्ष्म शरीर है जीव है वह बना रहे हमारे साथ में। भगवती को दूसरा आशीर्वाद उन्होंने मांगा कि जब हम चाहें तब आप हमको दर्शन दो, और संयोग यही हुआ जो सृष्टि का क्रम है आज तक। ये हमारे महात्मा कहते थे जगत में सब कुछ परिवर्तित होता है किंतु ये परिवर्तन का परिवर्तन नहीं होता है, ये परिवर्तन होने का जो नियम है इसका परिवर्तन नहीं होता, और सब कुछ परिवर्तित होता है, सब कुछ परिवर्तित हो जाता है किंतु ये परिवर्तन का परिवर्तन नहीं होता कभी। तो महाराज ये परिवर्तन का परिवर्तन होने वाला नहीं है, इसलिए हुआ क्या, उसका शरीर पूरा हो गया। किंतु ये बड़ी योगिनी थी, साधना आराधना में लगी रहती थी, सरस्वती माँ की आज्ञा के आधार पर इसने पहले अपने पति के शरीर को फूल से ढक दिया, और ढकने के बाद महाराज इसने सरस्वती की प्रार्थना की, भगवती प्रकट हुई। भगवती ने इसके पूर्व जन्म का वर्णन पहले किया और बाद के जन्म का भी वर्णन कर दिया। भगवती से इसने प्रार्थना की कि हम दोनों का जीवन दर्शन करना चाहती, पहले पूर्व जीवन को, बाद में आने वाला जो जीवन है, जो बाद में हमारे पति का जहां राज्य है वो भी दर्शन करना चाहती हैं। भगवती ने दर्शन कराया, और जब महाराज ये विदुरत नाम का राजा था जिनके यहां ये गई दोनों देवियां, एक गवाक्ष से प्रविष्ट हो गई, यहां तक की कथा हम लोग कल सायंकाल सुने थे, गवाक्ष तक जो प्रकट महाराज प्रविष्ट हुई गवाक्ष से, और जो गवाक्ष से प्रकट होकर की गई तो पूरे प्रकोष्ठ में विदुरक के प्रकाश छा गया। इन देवियां दोनों दिव्य थी, मां भगवती साक्षात सरस्वती माँ भी दिव्य थी, इसको भी दिव्य शरीर प्राप्त हुआ था आराधना से, साधना से शरीर में भी दिव्यता आती है, ध्यान दीजिएगा कि नश्वर शरीर जो है इसमें भी आराधना और साधना से दिव्यता आती है।
मुझे तो पहले पता नहीं था, ये स्वामी जी हमारे जो डंडी स्वामी जी महाराज हैं, इनके एक मित्र महात्मा थे, जैसे ये नंग धड़ंग रहे वैसे वो भी नंग धड़ंग रहे। वो रहते थे चित्रकूट के पास में, नाम था उनका परशुराम स्वामी महाराज, बड़े सिद्ध महात्मा थे, ऐसे दिव्य महात्मा, बड़े पहले शायद परशुराम बनते थे वो स्वामी जी। तो उनकी भी सेवा करने का इस शरीर को अवसर मिला, क्योंकि स्वामी जी जब चित्रकूट जाते थे तो वो उनके पास में आते थे। अब होता क्या था कि महाराज ये भी दिगंबर वो भी दिगंबर, ये तो महाराज अभी चौथी पांचवी भूमिका वाले, वो छठवीं भूमिका वाले महापुरुष, हमको इसका ज्ञान नहीं था। वो तो जब सुने तब हमारा समझ में आया, नहीं तो पता भी नहीं चलता। ये महात्मा कई बार कोई चर्चा करते थे आपस में बैठकर, कई दोनों लोगों का कई जगह एक ही जगह एक ही झोपड़ी में हमारा तखत होता था, इनकी चर्चा चलती रहती थी। मैं तो बच्चा था, कुछ समझता ही नहीं था। संयोग ये होता था कि जो जानते हैं कि अवधूत महात्मा है तो इनके नंगे वेश को देखकर कोई बुरा नहीं मानता है, किंतु वहां एक गांव में महाराज गए तो स्वामी जी क्या करते थे, खेत में बैठे हों और बैठे बैठे वहां शौच पर करने बैठे तो कहो 10 घंटे ही बैठे रह जाए। सुबह बैठे तो शाम को कथा का समय हो उस समय उनको बुलाया जाए। वो दोनों महात्मा ऐसे बैठ जाते थे, वो विलक्षण ही खेल, और दोनों बैठ जाए। और कई बार खेत में काम करने वाली माताएं आए तो माताएं आती थी तो उनसे कहते थे पानी ले आओ, और बाद में कहे हमको सौचा दो। अब वो गांव की माताएं, उनको बिचारियों को क्या पता है कि किस साधु किस स्थिति में है, तो थोड़ा उपद्रव हुआ तो महात्मा ने मेरी ड्यूटी लगा दी कि महात्मा जब तक बैठे रहे तब तक आप बैठे रहा करो, जब ये पानी मांगे तो तुम दिया करो, जब सौचाने को कहे तो तुम सौचा दिया करो। वो महात्मा को कई बार, स्वामी जी को तो ऐसा नहीं होता था, ये तो अपने आप पानी ले लें, उनको तो कई बार सौचाना पड़े। एक दिन अपने राम उनको सौचा रहे थे। देखिए दिव्यता शरीर में साधना से कैसे आती है वो मैं सुनाना चाहता हूँ आपको। सौचा रहा था, उसके बाद मिट्टी से हाथ धोने के लिए गए तो गांव के बालक तौलिया उलिया तो रखते नहीं थे, महाराज ऐसे पानी छिड़कर अपने मुख में, पानी धूप थी मुख में लगाया तो हाथ में दिव्य सुगंध थी, हाथ में इतनी दिव्य सुगंध थी मुझे लगा कि कोई सुगंधित पदार्थ छू गया है। बाद में बहुत खोजते रहे कैसे हो गया क्या हो गया, कुछ पता नहीं चला। मैं दिन में कम से कम 100 बार अपना हाथ नाक के पास ले जाकर सूंघता था, इतनी सुगंध थी। एक दो दिन तक उस हाथ में सुगंध रही, किंतु मेरे राम को पता नहीं चला ये सुगंध आई कहां से, हमको पता नहीं चला ये सुगंध कहां से आई। वो तो कुछ दिन पहले मैं योग दर्शन पढ़ रहा था, योग दर्शन पढ़ रहा था तो महाराज भूमिकाओं का जब वर्णन पढ़ा तो पता चला कि मल से भी योगी के सुगंध आने लगती है, पसीने से भी योगी के सुगंध आने लगती है। जब ये पढ़ा तो घटना हमको लग गई, उस समय स्मरण आया तब तो हाथ से मामला निकल चुका था, तो महात्मा का शरीर भी पूरा हो चुका। हमारा जैसे दिव्य संत थे, आपको कहें करुणा देखिए, ईश्वर की कृपा, स्वामी जी और वो दोनों महात्मा जा रहे थे, मैं बीच में चल रहा था, 12-13 साल की उम्र। उन्होंने हमारे कंधे पर हाथ रख करके स्वामी जी को कहा, स्वामी जी इसको तुम चेला तो नहीं बना पाओगे, ऐसी बोले, तुम चेला तो नहीं बना पाओगे, इसको मैं अपना चेला बना लेता हूं। और एक माला जपते रहते थे रुद्राक्ष की, करीब 50 साल उन्होंने जपी थी, वो माला हमको दे दी, अभी हम अपने पास रखते हैं वो माला, अभी तक कभी वो माला अलग नहीं की, रुद्राक्ष की पास में रखते हैं। तो कहने का ही प्राय, जैसे जैसे साधना बढ़ती है जीव के जीवन में, आराधना बढ़ती, वैसे शरीर में दिव्यता भी आती है। सर ये सामान्य जो शरीर के भौतिक गुण होते हैं ये गुण लगभग घटना बंद कर देते हैं कई बार, जैसे जैसे साधना बढ़ेगी। तो ये सरस्वती की साधना करने वाली लीला थी, और साधना और सरस्वती माँ की कृपा भी थी, दोनों बातें थी। तो जिस दिव्य शरीर से राजा के प्रकोष्ठ में प्रविष्ट हुई थी उसके कारण महाराज पूरे प्रकोष्ठ में ऐसा लगता था जैसे चंद्रोदय हो गया हो, चंद्रोदय के समान रात्रि में अंधकार में प्रकाश हो गया। और जो महाराज राजा को ही पता चला कि कोई आया है, हमारे ऋषि वशिष्ठ जी महाराज कहते, निमेश मिव संचिंत्य सविस्मित मनान्नपः,
एक निमेश मारा तो उसने चिंतन विस्मय में पड़ गया कि कौन आ गया। पहले तो राजा विस्मित हुआ कि हमारे प्रकोष्ठ में जहां चारों तरफ से बंद है, क्योंकि युद्ध चल रहा था, दिन भर राजा युद्ध करके आया था, इसके पीछे युद्ध का बहुत विस्तार से वर्णन है, हजारों लाखों सेना लड़ रही थी, मर रही थी, दिन भर युद्ध करके थका हुआ था, तो महल में बिल्कुल कमरा बंद करके सोया था, खिड़कियां भी बंद थी कि कहीं दुश्मन ना आ सके, कहीं प्रहार न कर सके, बाहर सब सैनिक लगे हुए थे राजा की सुरक्षा में। उसके बाद भी देख करके दंग रह गया, पहले तो विस्मित हो गया, विस्मय में सोचा ये आकाश से गई देवियां कौन है, फिर बाद में उस तस्थो सर सयान छेद मारा सैया में जो लेटा था उठा, और कैसे उठा, हमारे श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं चक्र गदा धर इव, जैसे शेष सैया पर शयन करते हुए भगवान नारायण खड़े हो जाएं। अभिप्राय का ये भी साधक था, कोई सामान्य नहीं था, ऐसे महाराज उठा, चक्र मारे चक्र गदा धर इव शब्द का प्रयोग है, और जो उठा तो पहचान गया कि कोई दिव्य शक्तियां हैं। इस सवागे पर करुणा करके ये देवियां प्रकट हुई हैं। उसने तुरंत महाराज उठ करके हाथ में पुष्प लिए, हार दिया और पूजा की, और पूजा करने के बाद चरणों में महाराज हुआ बैठ गया। चरणों में बैठ गया तो माँ तीरथ द्रुमो विकसिता पद्मो पद्मयोरिव, चरणों में बैठा हुआ देखकर लीला ने भी इनको देखा और भगवती ने भी देखा, किंतु लीला ने एक लीला की, क्या लीला की, माँ को इशारा किया कि इनका परिचय बताओ, ये कौन है, अब हैं तो इसके पति ही किंतु ये अनभिज्ञ है कि कौन है, बोले परिचय बताओ। तू आच देवी हे राजन कस्तम कस्य सुतक कदा ये दातस्ति श्रुत्वा मरसमंत्री वाक्यम अब्रवी। बात ये है कि बड़े लोग अपने मुख से तो अपना परिचय बताते नहीं है, पीछे वाला महाराज बताता है, अनुचर बताता है, वृंदावली बखाने वाले बखानते हैं, हीरा थोड़ी कहेगा कि हमारी इतनी कीमत है, मैं इसी माहौल का हूँ, ये ऐसे रहता हूँ, उसके महाराज बड़े लोगों का परिचय तो सेवक जन देते हैं। तो युद्ध का काल था, तो युद्ध का काल होने के कारण मंत्री भी वहीं पास में प्रकोष्ठ में था, क्योंकि रात्रि में कभी भी जरूरत पड़ जाए तो मंत्रणा लेना हो तो कहां जाकर दौड़ कर जाएंगे, युद्ध चल रहा है इस समय, तो मंत्रिमंडल भी वहीं रहता था महल में ही, जिस समय मंत्रणा करना हुआ मंत्रणा कर लिया गया। भगवती ने मंत्री को जगाया, और जब मंत्री को जगाया, मंत्री देखकर इन देवियों को, वो भी दंग रह गया, प्रणाम किया, राजा चरणों में बैठे हुए हैं, तो भगवती ने मंत्री से कहा कि इनका तुम परिचय बताओ, ये कौन है, इनका क्या परिचय है, ये हमारी सखी सुनना चाहती है। जब ये कहा तो महाराज इन्होंने इनका परिचय बताना प्रारंभ किया, इतना लंबा परिचय बताया है इनका, कितने पीढ़े महाराज पूर्वजों के नाम इनके बता दिए, इनके बेटा ये हुए, इनके बेटा ये हुए, इनके बेटा ये हुए, बाद में बताया इनके जो पिताजी थे उनसे कैसे ये महाराज विदुरथ नाम के राजा उत्पन्न हुए, ये 10 वर्ष की अवस्था में थे तो इनके पिताजी इनको राज्य दे करके बन चले गए थे, यहां तक की कथा उस महाराज मंत्री ने इनको बता दिया। और जब मंत्री ने महाराज ये कथा इनको सुना दी तो ये समझ नहीं पाए, तब तक देवी ने इनके ऊपर इशारा किया और हाथ रख करके आशीर्वाद दिया विदुरक को, और जो हाथ रखा विदुरक के सर पर तो महाराज कोई ऐसी सोई हुई शक्ति उसके चित्त में थी, जग गई, और जगने के बाद उसको सब पूर्व जन्म का ज्ञान हो गया, क्योंकि पहले उसको अपना तो इसी समय का राजा, इनके बेटा ये उनकी परंपरा का मैं हूं, किंतु इसको अपने पूर्व जन्म का भी ज्ञान हो गया कि पूर्व जन्म में क्या था, और जो पूर्व जन्म का ज्ञान इनको हुआ तो राजा ने कहा हे देव्यो किमिदम नाम दिन मेकम मृतस्य में, मां हे देवी मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि जब मेरा एक दिन पहले मरण हुआ है, क्योंकि पूर्व का स्मरण इसको आ गया कि पद्म नाम का राजा था मैं, तो कहा कि मां हे देव्यो, ये महाराज दोनों के लिए संबोधन करके कह रहे हैं, आप एक कृपा करके किमिदम नाम दिन मेकम मृतस्य में, एक दिन हुए मरे हुए
और यहाँ तो महाराज हमको कितने वर्ष हो गए राज करते करते, 70 वर्ष हो गए थे, वहां एक दिन पहले बीता था और यहाँ 70 वर्ष से तो राज्य कर रहे हैं, तो 70 वर्ष से मैं राज्य कर रहा हूँ, ये मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है मामला क्या है, आप कृपा करके बताइए, मुझ पर महाराज कृपा कीजिए, 70 वर्ष से तो राज्य में मैं लगा हुआ हूँ। भगवती से महाराज इन्होंने स्तुति की, और जब भगवती से स्तुति की कि ये रहस्य हम जानना चाहते हैं, तो भगवती ने इनको बड़े प्रेम से समझाया कि वस्तु तस्तु न जातोसी नम्रतोसी कदाचन, यथार्थ घटना तो ये है कि राजन न तो तुम्हारा जन्म हुआ है और न तुम्हारी मृत्यु हुई है, कभी कदाचन माने कभी हुई नहीं है, आपकी वस्तु तस्तु न जातोसी नम्रतोसी कदाचन शुद्ध विज्ञान रूपत्वम शांत आत्मनि तिष्ठति, आप शुद्ध विज्ञान स्वरूप हो, शांत स्वरूप हो, आत्म स्वरूप हो, ये जो तुमको दिख रहा है ये सारा का सारा जो तुमको दिख रहा है केवल भ्रम है, तुम्हारा पूर्व का जन्म भी भ्रम है और ये भी जो 70 वर्ष से तुम राज्य कर रहे हो ये भी भ्रम है। और महाराज इन्होंने सरस्वती माँ ने इनको और विस्तार से समझाया कैसा भ्रम है, भ्रम किसे कहते हैं, बोले रज्ज्वां सर्प भ्रमे शांते पुनः सर्प भ्रम कुता असद भावे परिज्ञाते कुता सता जगद भ्रमे। इन्होंने कहा रज्ज्वां सर्प भ्रमे शांते पुनः सर्प भ्रम कुता, जैसे उदय को भाई ध्यान रखना, ये जो जगत आपको दिख रहा है ये भ्रम के कारण दिख रहा है, ये विपर्य के कारण दिख रहा है, ये परमात्मा से जो जगत बना है वह कैसे विपर्य के कारण बना है, भ्रम के कारण दिखता है, ये उसका परिणाम नहीं है, परमात्मा से का जगत परिणाम नहीं है, परिणाम का ही प्राय जैसे दूध दही का परिणाम हो जाना, तो जो परिणामी होगा वो विनाशी होगा, जो महाराज परिणामी होगा बदलने वाला होगा वह विनाशी हो जाएगा, तो ये विनाशी न हो इसलिए इसकी सत्ता को कहने के लिए इन्होंने कहा केवल ये भ्रम है। कैसा भ्रम है, बोले रज्ज्वां सर्प भ्रमे शांते, जैसे उदाहरण के लिए आपको रज्जु में सर्प का भ्रम हो जाए, अच्छा रज्जु में जो सर्प का भ्रम हुआ है ये निश्चित रूप से मंद अंधकार के कारण हुआ है, क्या रज्जु कभी भी रस्सी क्या त्रिकाल में सर्प बन सकती है, कभी त्रिकाल में वह सर्प न थी न है न हो सकती है। कई बार महाराज ऐसा भ्रम होता है आपको क्या कहें, हमारे जहां का ये शरीर है ना वहां पर आम का बगीचा था बहुत बड़ा, कैसा भ्रम होता है हम आपको बता रहे हैं, रज्जु में सर्प का भ्रम हो जाए तो चलेगा, व्यक्ति मरेगा नहीं कम से कम डरेगा, किंतु कहीं किसी व्यक्ति को सर्प में रज्जु का भ्रम हो जाए तो मरेगा कि नहीं मरेगा। हमारी पूतना मौसी को यही भ्रम हुआ था, पूतना मौसी को भ्रम यही हुआ था, भागवत में इसी भ्रम का वर्णन है, बोले दुनिया में लोगों को रज्जु में सर्प का भ्रम होता है और ये पूतना मौसी को महाराज क्या हुआ, सर्प में रज्जु का भ्रम हो गया, वो समझती थी ये बालक है किंतु ये काल के भी महाकाल थे। तो मैं निवेदन कर रहा था जहाँ का ये शरीर है वहां आम के बगीचे बहुत हैं, तो लोग आम सुबह सुबह अपने अपने बगीचों में आम बीनने जाते हैं, तो जो आम गिरते हैं ना उनका जो पके पके आम टपकते हैं उनका नाम टपका होता है, टपकने वाले आमों का नाम क्या होता है, टपका, वो टपके इसलिए टपका है। तो एक सज्जन आम बीनने के लिए गए थे सुबह सुबह, सच्ची घटना सुना रहा हूं, मैंने आंखों से देखा ये घटना, संयोग से क्या हुआ, जिस वृक्ष के नीचे आम बिन रहे थे वहां पर हमारा काला काला सर्प बैठा था, वो गुंडी मार करके और उसके ऊपर उसका फण था, फण में थोड़ा सफेद जो चिन्ह बना होता है विषधर सर्प में वो था, वो बीच में ऐसे गुंडी डाल कर बैठा था, उनको क्या लगा कि गाय का गोबर पड़ा है और गाय के गोबर के ऊपर ये टपका पड़ा है, आम पड़ा है, तो सोचा इसको उठाने के, बिन रहे थे प्रातः काल का समय 5-6 बजा होगा,
पांच बजा होगा मंद अंधकार था, तो जो महाराज गुरु ने सर्प के मुख को पकड़ा टपका समझकर आम समझ करके, तो पकड़ते ही पता चल गया कि ये सर्प है। अब सोचा कि थोड़ा भी हाथ ढीला करते हैं तो ये मां खा जाएगा। उन्होंने महाराज उसको और मजबूती से पकड़ा कि मरना तो है ही, इतने मजबूती से पकड़ा कि वो सर्प पहले तो महाराज के हाथ में ही निपट गया पूरा उसका शेष भाग। घंटों पकड़े रहे उसको, छोड़ा ही नहीं उसको, कहा कि अगर छोड़ देंगे बाद में, जब हाथ ढीला, हाथ बिल्कुल नीला पड़ गया था उनका, हम लोग बच्चे थे तब देखा था 7-8 साल की उम्र होगी। बाद में उन्होंने महाराज जब मर गया तब छोड़ा, फिर जलाया गया, वो बच गए क्योंकि समझदार थे तो पकड़ कर ऐसे। तो मैं निवेदन यही कर रहा था कि भ्रम बड़ा खतरनाक है, तो कि अगर रज्जू में व्यक्ति को सर्प का भ्रम हो जाता है तो डरेगा किंतु मरेगा नहीं। अधिकतर महाराज हमारे वेदांत में हम लोग कई बार हंसते थे बचपन में, अभी तो नहीं, हम तो चिंतन धारा में, हमको कई बार लगता था, एक महात्मा हमारे यही ऋषिकेश में ही कहते थे, लगता है सब वेदांती पहले सर्प नचाने वाले थे क्या, ऐसे बोलते। वो वेदांत भक्त थे और हमारे एक नंबर कुटिया में रहते थे, या कुम्हार थे, वो कहते थे ये कुम्हार थे या सर्प नचाने वाले थे। हमने कहा क्यों ऐसा क्यों कह रहे हो, बोले जहां देखो तो कुंभ का उदाहरण बहुत आता है, घट कुंभ और अमुक कुंभ और सर्प का उदाहरण बहुत आता है, तो बोले लगता यही दिमाग में इनको भरा रहता था। वो विनोद की बात थी, बात ये दृष्टांत जो दिए जाते हैं दर्शन के समीप कुछ हो, क्योंकि तो जैसे अब दृष्टांत कौन दिए जाएगा, भ्रम कैसे, तो सामान्य भ्रम ये दिखता है। वो तो उनका विनोद था, वो तो भक्त थे महात्मा हमारे, राधेश्याम बाबा उनका नाम था, एक नंबर कुटिया में रहते थे, हम लोग जाते स्वामी जी से भी बहुत विनोद करते थे, स्वामी जी को विनोद भी करते थे कई बार, स्वामी जी को भांग भी छड़ाते थे, वो स्वामी जी को भी कहते थे आज छानो आप, स्वामी जी के बहुत पहले के परिचित थे। तो नारायण में निवेदन कर रहा था कि जो भगवती ने कितना सुंदर उपदेश दिया है, मैं ये दर्शनों से जो उपदेश लेने लायक है वही है, लीला की लीला में कुछ नहीं रखा है, लीला की तो लीला ही है, लीला की लीला में क्या रखा है, लीला के माध्यम से जो उपदेश मिल रहा है वो है, इन्होंने कहा त्यक्त्वा रज्ज्वाम सर्प भ्रमे शांते, जिस दिन रज्जु में जो सर्प का भ्रम है शांत हो जाता है तो पुनः सर्प भ्रम कुतः, फिर दोबारा सर्प का भ्रम होने वाला नहीं है। असत भावे परिज्ञाते, यदि हमको ये पता चल जाए कि जगत ये असत्य है, एक बार ये निश्चय हो जाए, दृढ़ निश्चय हो जाए कि असत भावे परिग्राते, परिज्ञान हो जाए यदि हमको, तो कुतः सत्ताम जगत भ्रमे, फिर जगत की सत्ता ही कहां रहेगी, क्या रज्जु में सर्प की सत्ता है क्या, अरे त्रिकाल में सर्प की सत्ता नहीं है, वो तो मंद अंधकार के कारण ये बाहर आया है। दूसरा उदाहरण और दे दिया, दूसरा उदाहरण कौन सा दिया इन्होंने, परिग्राते मृग जले पुनर्जन्म मति कुता, यदि एक बार पता चल जाए कि मृग मरीचिका में जल नहीं है, आजकल तो ये हम दूसरा उदाहरण देने लगे इन लोगों को, क्योंकि धीरे धीरे हमारे राजस्थान में मृग मरीचिका का जल समाप्त हो रहा है, अब तो विज्ञान आ गई, विज्ञान की कृपा ऐसी हुई कि जो बहुत बड़े बड़े टिब्बे होते थे को आज से 10-12 साल पहले देखते थे, अब वहां भी पानी की व्यवस्था हो गई तो वहां भी खेती होने लगी, राजस्थान में भी ईश्वर की कृपा से, पहले वहां पानी था नहीं तो मृग मरीचिका भी जल्दी देखने को अब मिलना मुश्किल है। उदाहरण तो दूसरा उदाहरण आपको सबको पता चल जाएगा, हमारे छोटे स्वामी जी को तो पक्का पता चलेगा, जो गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी चलाने वाले लोगों को ये बात तुरंत ज्ञान में आ जाएगी, जो अच्छा रोड बना होता है चिकना रोड डाबर वाला सही वाला, ये स्वर्ग आश्रम वाला नहीं महाराज, ये झूले की तरफ वाले में नहीं दिखेगा, वो चंडीगढ़ के साइड में जो एकदम चिकना रोड बना हुआ है, तो कई बार ऐसा लगता है दूसरे की रोड में पानी भरा हुआ है किंतु वहां पानी की कहानी होती ही नहीं है, कई बार ऐसा लगता है भ्रम से कि पानी भरा हुआ है, हुआ कि नहीं भ्रम कभी, कई बार गाड़ी चलाने वालों को तो होगा ही होगा। अब अच्छा क्यों होता है, इसका कारण क्या है, यही मृग मरीचिका है, जहां जल है ही नहीं वहां जल का भ्रम हो जाए, सूर्य की तप्त किरणें बालुका में पड़ती हैं तो बालुका में जल का भ्रम हो जाता है, वैसे सूर्य की तप्त किरणें
जब रोड पर पड़ती है चिकने रोड पर तो वहां पर जल का भ्रम हो जाता है। एक बार जैसे हमको ये पता चल जाता है, ड्राइवर को पता चल जाता है, हमको पता चल जाता है, देखते हैं बैठ करके कि यहाँ जल नहीं है, केवल जल का भ्रम है। उसके बाद फिर उसको हटाने की जरूरत पड़ेगी क्या कि भाई पहले सुखाड़ सूख जाए तब निकलेंगे हम? उसमें फिर हटाने की जरूरत पड़ने में कोई पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्वप्न काले परिज्ञाते स्वप्न मरणम कुता, यदि स्वप्न काल में ही ज्ञान हो जाए कि हम स्वप्न देख रहे हैं, वैसे बहुत कम होता है स्वप्न काल में, ये स्वप्न का ज्ञान बहुत कम होता है। वैसे अभ्यास हमको तो कई दो चार बार अनुभव हुआ है इसका कि स्वप्न काल में ही लगता है स्वप्न देख रहे हैं। अच्छा, कई बार अपना दुश्मन स्वप्न काल में अपनी गर्दन काट देता है, अपना दुश्मन स्वप्न काल में अपनी गर्दन काट देता है तो गर्दन कटी हुई हम देखते हैं कि नहीं देखते अलग से? किंतु यदि हमको उस समय पता न चले कि ये स्वप्न है तो हमको रोना पड़ेगा कि नहीं? हाय हाय चिल्लाएंगे, गर्दन कट रही, गर्दन कट रही है, जिन सपने सिर काटे कोई, बिन जागे दुख दूर न होई। हमारे तुलसीदास जी महाराज ने गजब डाया है, मोह निशा सब सोवनिहारा, देखई स्वप्न अनेक प्रकारा, यही जग जागई जामिन योगी, परमार्थी प्रपंच वियोगी। ये परमार्थी माने जो परमार्थ चाहते हैं, परमार्थ का अभिप्राय यही है, परमार्थ परमात्मा ही है, और तो सारे अर्थ अनर्थ के हेतु हैं। परम अर्थ ही सच्चा अर्थ है, तो परमार्थ माने जो ब्रह्मानुभूति की ओर बढ़ना चाहते हैं, ब्रह्मात्मा की ओर के बढ़ना चाहते हैं, परम वियोगी। और उसी बात एक बड़ा सुंदर उदाहरण दिया, एक बहुत प्यारा उदाहरण है। अच्छा, जो जगा है वही जगा सकेगा। हम आप दोनों सो रहे हो एक पर्यंक पे, और एक स्वप्न देख रहा हो एक गहरी निद्रा में हो, और स्वप्न देखने वाला चिल्लाने लगे बचाओ बचाओ बचाओ, तो बगल वाला कब जाग आपको जगा सकेगा, दुख भगा सकेगा? जब स्वयं जागा हो, बिना जगे तो आपको जगा नहीं सकेगा। आपके स्वप्न में तो सोया हुआ पुरुष तो घुस नहीं जाएगा। तो जगे की क्या पहचान है? तुलसीदास जी महाराज ने जगे की पहचान भी बड़ी सुंदर दे दी। जानिए तब ही जीव जग जागा, कब जाने के जीव जाग गया है? जब सब विषय विलास विरागा, जब संपूर्ण प्रकार के विषयों से वैराग्य हो जाए, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध इनसे वैराग्य हो जाए। और ये होना तो भाई बिना ठाकुर की कृपा के संभव तो नहीं है। कोई पूर्व जन्म का कृतोपास्ती हो तो अलग बात है, कृतोपास्ती माने पहले करके आया है तो भले वैराग्य हो जाए, नहीं तो ये महाराज किसी न किसी रूप से ऐसे माया लगती है, ऐसे माया लगती है, कहीं न कहीं से पकड़ लेती है, नाम के रूप में पकड़ ले, प्रतिष्ठा के रूप में पकड़ ले, ये माया महारानी का ही रूप है, परोपकार के रूप में पकड़ ले, कई बार ये परोपकार का रूप भी धारण करके आ जाती है। ऐसा लगता है कि हम परोपकार में लग रहे हैं किंतु होती हूँ मारा माया महारानी है। तो सारे जगत के विषयों से जब वैराग्य हो जाए तब हम जाने की जगे हुए हैं। तो माँ ने कहा कि बेटा स्वप्न में यदि ये स्वप्नानुभूति हो जाए फिर भय होने वाला नहीं है। बुद्धस्य शुद्धस्य सरस्वती, महाराज इन्होंने बड़े सुंदर ढंग से जब ये समझाया। राजा ने और भी कई प्रश्न किए हैं, अब ये पहचान नहीं पाया है कि ये हमारी पत्नी सामने है। इन्होंने महाराज वशिष्ठ जी महाराज राम जी को समझाते हैं, तापम एव यथावारी मृगाणाम ब्रह्म कारकम असत्यमेव सत्याभम तथा मूर्तेर जगत। जैसे मरुभूमिस्थ सूर्य का आतप यदि पता चल जाता है व्यक्ति को, उसके बाद वह भ्रम नष्ट हो जाता है, ऐसे जैसे रज्जी में सर्प का भ्रम हो रहा है, यदि पता चल जाए ये रज्जू है तो ये भ्रम मिट जाता है, ऐसे ऐसे ही ये जगत जो आपको दिख रहा है। अच्छा, उसमें भगवती ने एक बात बड़ी और अच्छी कही, आधी दृष्टि कही हमारी, मैंने इस विषय को कल भी पढ़ा था। आर्ष ग्रंथों की विशेषता यही होती है, आर्ष ग्रंथों को जितनी बार आप पढ़ोगे
उतनी बार कुछ न कुछ नया मिलेगा ही मिलेगा। अब ये उपाख्यान हम दूसरी बार आज पढ़े पूरा, हमको अच्छा लगा, हमने कहा और भी देख लेते हैं। तो एक बात बड़ी अच्छी दिखी इसमें, महाराज भगवती ने इनको ये कहा, ये गुरुजनों की कृपा है, सन भगवती गुरु रूपा है और जो राजा है वह शिष्य के रूप में विराजमान है प्रकोष्ठ में। तो गुरुजनों की कैसी बड़ी अनुकंपा है, कैसी बड़ी कृपा है, ये भगवती ने राजा को कहा कि सारा का सारा जगत ये दिखने वाला केवल ब्रह्म मात्र है, उस जगत में तुम्हारा भी शरीर और हमारा भी शरीर। याद रखिएगा, ये भी ध्यान देने लायक है, कई बार हम दूसरे का शरीर तो मिथ्या समझ लेते हैं और अपने शरीर को सत्य समझते हैं, ये गड़बड़ी मामला साधना। गुरुजन की क्या कृपा है, मैंने दृष्टि के में तो दंग रह गया। भगवती ने कहा कि जैसे तुम्हारा शरीर जगत में है ब्रह्म है, वैसे मेरा जगत में शरीर है और मेरा भी ये शरीर ब्रह्म है, पहले कभी था नहीं, बाद में कभी होगा नहीं, आज भी केवल ब्रह्म के कारण ही दिख रहा है। सच में अगर ये अनुभूति हो जाए, इस ढंग की अनुभूति हो तो कहने क्या है, फिर तो अपनी कोई फोटो खींचे या न खींचे कोई महत्व तो नहीं रहेगा, रखे या न रखे इसका भी कोई महत्व तो नहीं रहेगा। हमको स्मरण है, हमारे महाराज जी ने ही सुनाया है, महाराज जी बताया महर्षि यहाँ बहुत दिन तक रहे, हमको राजेश्याम खेमका जी ने तो बताया, मैं तो दंग रह गया सुन करके। जहाँ शंकराचार्य नगर है ना, उसके नीचे कुटिया में महर्षि जब भागवत का अनुवाद किए और उसमें महाभारत के अनुवाद में भी महाराज ऋषि रहे, तो बताते थे भोजन की शुद्ध नहीं होती थी उनको, सारी टीकाएं सामने ऐसे खुली रखी रहती थी और खुली रखी रहने के बाद महाराज जी लिखते रहते थे, कई माताएं जाकर खिलाती थी तो कभी खा ले नहीं तो और शाम को ही खाएं, लेखन में लगे रहते थे। उस समय संन्यास नहीं लिया था तो महाराज जी कहते सत्संग भी होता था रोज, तो सत्संग में महाराज जी भी प्रवचन करते थे और भाई जी भी करते थे, सेठ जी भी करते थे। तो जो महाराज सत्संग पूरा होता था तो भाई जी और सेठ जी दोनों भागते थे कि कोई हमारे पैर न छू ले। तो महाराज जी हमारे क्या करते थे, वो तो महाराज दिव्य महात्मा, वो जैसे ये लोग भागे तो महाराज जी तखत पर ही पैर फैलाकर बैठ जाते थे और कहते थे वहां कहां भाग रहे हो, इधर आओ इधर आओ, जितना प्रणाम करना हो यहां प्रणाम करो, उनको परेशान मत करो, उनको परेशान मत करो, जितना प्रणाम करना यहां प्रणाम करो आकर के। तो जब मैंने सुना महाराज जी के मुख से कैसे, मैं सुन रहा था, हमको लगा ये देखिए उन्होंने कहा जब बाधित ही हो गया है, देखो इसमें बहुत ध्यान देने की बात है, भक्ति की दृष्टि अलग है, ज्ञानी की दृष्टि अलग है, ज्ञानी की दृष्टि बिल्कुल अलग, भक्त की दृष्टि अलग है। यहां तो त्रिकाल में ये जगत नहीं है, जैसे दूसरों का शरीर नहीं वैसे मेरा भी शरीर नहीं है, दोनों बातें ये ध्यान रखने लायक है और इसका कुछ बनाने लायक भी नहीं है। बनाने लायक माने, अब एक महात्मा, हम लोग वृंदावन मुंबई में थे, एक महात्मा ने कहा मैंने अपना बिल तैयार कर दिया, बिल बना दिया है, उसमें एक बात मैंने लिखी है। तो महात्मा हमारे गुरुदेव को जिनसे मैंने संन्यास की दीक्षा ली, स्वामी खन्ना जी महाराज के वो शिष्य, उनकी सेवा में संलग्न रहने वाले, उन्होंने दीक्षा दी शरीर को, उनके पास वो बता रहे थे महाराज जी के शिष्य, वो बता रहे थे, नाम नहीं लेंगे, आप लोग उनका नाम भी जानते हो, जिनका नाम जानते हो उनका नाम नहीं लेंगे। उन्होंने कहा कि मैंने इतना बिल बनाकर तैयार किया है कि जितना हमारे खाते में पैसा है ये तो अमुक जगह पहुंच जाए, और हमारे शरीर न रहने के बाद यदि बम्बई में शरीर हो तो बम्बई में ही इसका संस्कार किया जाए, किसी के हरिद्वार कहीं न ले जाया जाए, ये हमने बिल बनाया है। मान जी महाराज हमारे महाराज वो भी गुरुजनों की सेवा की और गुरुनिष्ठ महापुरुष, मैंने अपने जीवन में ऐसी गुरुनिष्ठा दूसरे में नहीं देखी है, जैसे ब्रह्मनिष्ठा वाला महापुरुष हमने नवीन स्वामी जैसा दूसरा नहीं देखा, ऐसे गुरुनिष्ठा वाले हमारे मान जी महाराज को जैसा हमने दूसरा संत नहीं देखा। अधिकतर क्या होता है, लोगों के इष्ट और गुरु अलग अलग होते हैं, इष्ट अलग और गुरु अलग, के तो महापुरुष के वही इष्ट थे गुरुजी और गुरुजी उनके गुरु थे, दोनों एक ही हो गए थे। तो महाराज उन्होंने इतनी मस्ती में उनको एक बात कही, मैं तो बैठा था उनके चरणों में, दोनों महापुरुष हमारे गुरुवत हैं, उन्होंने एक इतनी बढ़िया बात कही, मैं तो दंग रह गया सुन करके।
उन्होंने कहा कि महात्मा जी, स्वामी जी, एक बात हमको बताओ, आज से 10 साल पहले जो हम अचला पहनते थे, वो अचला का बिल बनाया था क्या तुमने कि अगर अचला फट जाए तो गाड़ी पोछना कि कमरा पोछना कि किसमें लगाना? उन्होंने कहा वो तो नहीं बनाया था। तो बोले जैसे वो कपड़ा फट गया, काम पूरा हो गया, वैसे ये शरीर भी तो है, इसमें क्या बिल बनाना है कि ऐसे रखना ऐसे रखना ऐसे रखना ऐसे रखना? शरीर से हमारा काम तो पूरा हो गया, अब जिसको जहां जैसे रखना हो वैसे रखो, ये कपड़े के ही समान तो है, जैसे रखना हो। किंतु भक्त हृदय वाले लोग महाराज ये चाहते हैं कि कोई शरीर के माध्यम से कोई नई परंपरा न चल जाए, लोग भगवान के ही भक्त बने, ये नश्वर शरीर के भक्त न बने, नश्वर पदार्थों के भक्त न बने, नश्वर इसके, क्योंकि भगवान से ही डायरेक्ट संबंध हो। और आजकल ये थोड़ा परंपरा शिथिल हो रही, इसलिए इतनी परंपराएं, अभी तो महाराज राहु और केतु और शनि के भी खूब मंदिर बनने लगे, जितने ठाकुर जी के शायद मंदिर नहीं बन रहे नए नए, उससे ज्यादा राहु और केतु के मंदिर बन रहे हैं। अभी मैं सुपताल में कथा करने गया तो देखा बहुत बड़ा राहु का मंदिर बन रहा है, तो हमने राहु को प्रणाम करके कहा कि श्रीमान जी काहे को तुम यहाँ झमेला पैदा कर रहे हो, ये तीर्थ में आकर के तुम अपना विस्तार कर रहे हो, इन अपने चेलों को कहो कि हमारी जगह भगवान का मंदिर बनाए। ये तुम्हारा मैं निवेदन ये करा थे, गलत परंपरा न चल जाए, इसलिए साधक लोग कई बार जो भगवत भक्त हैं वह इस बात प्रकार की परंपरा करते हैं। किंतु जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष हैं, वो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष के लिए ये सब जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे सामने वाले का शरीर बाधित है वैसा अपना भी शरीर बाधित है। तो भगवती ने यही बात इनके सामने रख दी कि जैसा हम आप दूसरे शरीरों को देखते हो वैसे ये भी शरीर बाधित है, इसमें भी आपको महाराज कुछ ज्यादा बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है। ये सब सुनकर के महाराज उनको बोध तो नहीं हो पाया, उस राजा को भी, कारण क्या है मैं निवेदन करूं, जगत में हमारे जीवन में इतनी वासनाएं प्रबल हो गई हैं, इतनी वासनाएं प्रबल हो गई। कल हमारे पूजनीय स्वामी जी महाराज कह रहे थे कि जब तक अंतःकरण तैयार न हो, शिष्य की पूर्ण निष्ठा न हो, तो उपदेश देंगे भी तो कहां लगेगा, उपदेश लगेगा ही नहीं। और कई बार तो महाराज क्या होता है, ब्रह्म विद्या का उपदेश सुनने और यदि अंतःकरण तैयार नहीं है तो जैसे सिंघनी का दुग्ध अन्न पात्र में रखा जाए वो क्या करता है, पात्र को ही फोड़ करके चला जाता है। ऐसे ही ब्रह्म विद्या अनधिकारी के कानों में पड़ जाए यदि, जो सम दम उपरत तिक्षा समाधान के बगैर जीवन चला रहा है, उसके जीवन में पड़ेगी तो अंतःकरण खराब हो गया कि नहीं हो गया, वो फिर न तो कभी भगवान की भक्ति में लग पाएगा वो बावड़ा, और न कभी इधर निष्ठावान हो पाएगा, दोनों से चला जाएगा वो। इसलिए मेरा लिए बहुत जरा ध्यान देने की बात है, भगवती साक्षात इनके सामने प्रकट होकर के विदुरक को ये उपदेश दे रही है, किंतु ये बावड़ा, ये भगवान की माया भी नारायण हम क्या कहे, ये माया महा ठगनी हम जानी, ऐसे लोगों को ठगती रहती है, ऐसे ठगती रहती है, किस किस रूप में आकर के, मैं तो प्रणाम ही करता हूं उसको, ज्यादा कुछ कहने लायक नहीं है, क्योंकि ज्यादा यदि कुछ कहें तो ये अपने पीछे पड़ गई तो और आफत है, इसको कुछ कहने लायक नहीं है। एक गीता पर से ग्रंथ निकला है, एक लोटा पानी, पढ़ लेना कभी मौका मिले, उसमें बहुत सच्ची सच्ची है कहानी। एक कहानी उसमें है, बड़ी विलक्षण कहानी, पूरी नहीं सुनाएंगे, वो अयोध्या के संक्षेप में सुना देंगे बिल्कुल, क्योंकि हमको ये विषय प्रस्तुत करना है तो माया का स्वरूप समझ में आ जाए इससे, इसलिए इसको गाली देने लायक भी नहीं, इसको प्रणाम करने लायक है। एक बालक को एक माँ अयोध्या में एक हनुमान अखाड़ा है वहां पर दे गई, वो बच्चा था छोटा, उसका नाम भी लिखा है, घटना सन भी लिखा है, तो दे करके चली गई वो महाराज अखाड़े में, बालक रहा फक्कड़ बालक, बचपन से वही, माँ बाप का भी उसको पता नहीं है, फक्कड़ ही थी, वैराग्य था। बाद में गुरुजी ने जब उसको तरुणावस्था में दीक्षा दी तो कहा परिव्राजक बनो, घूमो, तो घूमता था, किंतु घूमने में महाराज पढ़ा लिखा था नहीं,
किंतु गुरु जी से सुना था कि माया बड़ी खतरनाक है, तो माया को गाली देता था दिन रात माया को, और गाली देता था पहलवानी जैसा स्वभाव, और कहता था ये माया हमारी क्या कर लेगी मैं देखूं, जिस पर गुरु का हाथ है, जिस पर भगवान की कृपा है, उसका माया कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। एक वृद्ध महात्मा मिल गए, अनुभवी महात्मा, ये तरुणावस्था में था, बोले बेटा ये माया माँ है, इसको ज्यादा गाली मत दो, नहीं तो कभी ऐसा परेशान हो गए तो कुछ पूछो नहीं। तो उसने तब भी नहीं माना। एक महाराज जमींदार के घर में, मैं संक्षेप में सुना रहा हूं, जमींदार के घर में भोजन करने गए दोनों साधु। ये तो बचपन का साधु था, कौपीन पहनता था, केवल फक्कर महात्मा। और जब वहां भोजन करने के लिए बैठा तो परिवार वाले भोजन करा रहे थे, इतने में उसकी तरुण बेटी रोने लगी फफक फफक करके। तो जमींदार ने पूछा, बेटा क्या हुआ, क्यों रो रही हो, क्या बात है? उसने कहा, पिताजी वही तो है जिनके साथ तुमने विवाह कराया था हमारा, और पहले तो कम उम्र में विवाह कर देते थे। बोले यही है, और हम पहचान गए इनके जान में तिल है, और ये हमको छोड़कर बाबा जी बन गए। तरुण महात्मा को उस देवी ने कहा, जमींदार भोजन करने के बाद वृद्ध महात्मा को लेकर गए कमरे में, बोले तूने हमारी बेटी का जीवन खराब कर दिया, इसको कहां कब चेला बनाया? तो बोले ये तो हमको रास्ते में मिल गया। बोले हमारा जमाई है, तुम यहां से भाग जाओ, मैं इससे निपट लूंगा। और महाराज कमरे में बंद किया वो महात्मा, वृद्ध महात्मा, तो बोले हे मैया माँ, अब इस पर तुम नाराज हो गई, लगता है कुछ गड़बड़ करोगी। वो तो चले गए, और ये हजार बार कहता रहा कि हमारा विवाह नहीं हुआ है, मैं बचपन का महात्मा हूँ, माँ बाप का पता नहीं है। महाराज बंदूक के दम पर उसको घर में रखा, जब 9 बच्चे हो गए तब छोड़ा, जो छोड़ा तो भागा, जो छोड़ा तो भागा, हो वहां लिखा है उस पुस्तक में पूरा, जो छोड़ा सो भागा। स्वभाव तो बचपन का वैराग्य का था, जब जो महाराज पैरा छूटा तो भागा। और नदी किनारे जब पहुंचा वो महात्मा मिल गए, महात्मा ने कहा, कहो माया कैसी है? बोले अब माया माँ है, माया से प्रार्थना करें कि वो कभी चक्कर में न डाल दे, ये माया है माँ भाई से ज्यादा, हम लोगों को तो प्रणाम करने लायक ही है, बहुत पक्कड़ हो तो वो गाली दे दे, नहीं तो अपने राम तो गाली देने का सामर्थ्य नहीं रखते, कब कौन सा चमत्कार ये माया महारानी दिखा दे, इसका कुछ पता नहीं है जी, कैसे कैसे रूप धारण करके आ जाए। तो कहा ये सारा का सारा जगत देखिए कैसी विडंबना है, माने ये तो क्या कहें, मैं तो कई बार गंगे रह जाता हूँ भागवत आदि का चिंतन करते करते, पाठ करते करते। ध्रुव महाराज आपको क्या कहें, ध्रुव का अगर आप विष्णु पुराण का जीवन पढ़ोगे तो उन्होंने इतनी तपस्या की थी कि उनकी तपस्या के बाद शरीर छूटते थे, उन हड्डियों से पहाड़ बन गए थे। और ठाकुर जी जब प्रकट हुए उनके सामने तो धन ही तो मांगा, राज ही तो मांगा, कि माया नहीं तो और क्या है, बोध जहां मांगना चाहिए, जहां भगवान के साक्षात से विग्रह सामने खड़े हैं, वो जगत मांगा, वो भी नश्वर होने वाला, नष्ट होने वाला, ये कितने दिन दिखने वाला महाराज राज्य आदि है। इन्होंने भी देखो विदुरप जी महाराज ने जब इन्होंने कहा थी प्रोक्ते सरस्वत्या गिरा मधुर वर्षणा उवाच वचनम सीमान भूमि पारो विदुरथ, इन्होंने कहा कि तुम्हारी आराधना से, तुम्हारे प्रेम से विदुरप मैं बहुत प्रसन्न हूँ। भगवती ने कहा विदुरप को मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तुम जो मांगना चाहो सो मांग लो। विदुरथ ने कहा माँ आपने मेरे ऊपर करुणा की है, ममापि दर्शनम देवी मोघम भवति नारदिनी, मैं इस मेरे को पता है कि आपका दर्शन जिसको होता है वो अमोघ होता है, अर्थात आपका दर्शन निष्फल तो नहीं जा सकता है, आपने करुणा करके हमको यदि दर्शन दिया है, महाफल प्रदायस्तु कथम तव भविष्यति, आप तो फल नहीं महाफल देने वाली हैं, आपने करुणा की है हमारे ऊपर, मैं एक बार प्रार्थना करना चाहता हूँ आपसे, अहम देवम समुसृज्य, मुझे ये पता है आपने करुणा करके हमको बता दिया है कि हमारा शरीर पूरा हो जाएगा, अभी युद्ध प्रातःकाल युद्ध में मैं रात्रि में जाऊंगा और मैं मारा जाऊंगा, ये मुझे पता है, किंतु मेरी एक प्रार्थना है। क्या प्रार्थना कर रहे हो? बोले प्रार्थना ये कर रहे हैं कि जो वहां मरा हुआ पद्म पड़ा है ना,
लाश जिसकी वहां पड़ी है, तो आप कृपा करके हमको इस शरीर से पूरा होते वहां पहुंचा देना। मैं अभी भोगों से तृप्त हुआ नहीं हूं, ये शरीर छूट जाएगा तो हम उस शरीर में जाएंगे। और एक मेरी प्रार्थना और भी है कि जो हमारा मंत्री है ना यहां पर, ये मंत्री भी वहां पहुंच जाए, और एक हमारी बेटी है वो भी वहां पहुंच जाए, और ये जो हमारी पत्नी है रानी है ये भी वहां पहुंच जाए। ये हम चाहते हैं। जो महाराज उन्होंने ये कहा तो भगवती ने कहा जरूर ये होगा, हमारा आशीर्वाद है। और महाराज इतनी यहां चर्चा चल ही रही थी तब तक महाराज देखा क्या कि शोर आने लगा, चारों तरफ आग लग गई नगर में, और दुश्मनों ने उसके नगर को घेर रखा था। युद्ध तो चल ही रहा था किंतु रात्रि में ऐसे हमला बोल देंगे, राजा को पता नहीं था कि ऐसे हमला बोल देंगे। महाराज उन्होंने चारों तरफ से नगर को घेर लिया, आग लगा दी। यही तो होता है और क्या होता है। आग जब लगा दी और सब जलने लगा तो जो इसकी महाराज पत्नी थी वह चिल्लाती हुई आई, बचाओ बचाओ बचाओ। तो जब चिल्लाती हुई प्रकोष्ठ में आई तो वहां देखा दो देवियां और खड़ी हैं। वो देखकर बड़ी दंग रह गई। मोरो भक्त वत्सल भगवान की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। वह देवी देख करके दंग रह गई, और जब देख कर दंग रह गई तो बाद में परिचय चला कि तो कोई दिव्य देवियां हैं, ये करुणा करके आई हैं। तो वो बेचारी उदंग करती हुई देवियों से प्रार्थना करने लगी कि आप कृपा करो हमारे ऊपर, और हमारे यहाँ राज्य में ऐसे ऐसे गंभीर वातावरण बन गया है, मैं कहाँ जाऊं क्या करूं। उन्होंने कहा तुम चिंता मत करो, उसको समझाने लगी। और समझाने लगी तब तक हमारा ला करके लोगों ने पुकारा निकलो राजा को, और जब राजा वहां से निकल कर गए जाने लगे तो महाराज इनको पता तो था कि हमारा शरीर पूरा हो जाएगा, तो भगवती के चरणों में महाराज समर्पित कर दिया। और समर्पित करके कहा कि ये हमारी पत्नी है, ये हमारी बेटी है, आपके हवाले है, और आप कृपा करके हमको तो जहां वहां दूसरे शरीर में आएंगे तो वहां भी इनका इनका दर्शन हो हमको। इस प्रकार से महाराज वो कहकर युद्ध के लिए चला गया। हमारे श्री वशिष्ठ जी महाराज ने पुनः युद्ध का ऐसे ढंग से वर्णन किया है, युद्ध हो रहा है और कैसे चारों तरफ से महाराज राजा को सैनिकों ने घेर लिया, और जो इनका दुश्मन राजा था जो युद्ध करने के लिए आया था, इसने आकर के महाराज इनके रथ पर कब्जा कर लिया, और रथ पर कब्जा करने के बाद इनकी गर्दन काट दी। ये देख रहे गर्दन कट जाने के बाद स्वाभाविक है कि महाराज सब क्रंदन करने लगे, और इनके राज्य में महाराज दूसरे राजा का आधिपत्य हो गया, चारों तरफ उसकी जय पताका फहराने लगी। ये देख करके महाराज, ये सुन करके राम जी महाराज को लगा, राम जी महाराज ने पूछ दिया वशिष्ठ जी महाराज से कि महाराज ये समझ में नहीं आया, एक साथ एक काल में कैसे हो रहा है, ये बात क्या है। तब महाराज श्री राम जी को वशिष्ठ जी ने पुनः समझाना प्रारंभ किया कि देखो भाई बात तो ये है, ये केवल दिख रहा है और है कुछ भी नहीं। मूल तो बात इतनी है कि जैसे इतना लंबा मामला बताया जाए उसके बाद में कह दिया जाए कुछ भी नहीं है, ये सारा समझाना यही है। समझाने का अभिप्राय नारायण मैं निवेदन करूं आप सबको, होता क्या है इन घटनाओं को उसने समझने लायक है। अधिकतर हम लोगों के चित्त में एक धारणा है कि जो हम देख रहे हैं वो बिल्कुल सत्य है, किंतु इन आंखों को हमारे आंखों पर इतना विश्वास है, किंतु मैं आपको कहूं कि जो हम देख रहे हैं बिल्कुल झूठा है। कैसे झूठा है, कई प्रमाण आपको दे सकते हैं, आप सब देखो विज्ञ हैं जानकार हैं। अगर हम सामान्य व्यक्ति से पूछे जिसने कभी सत्संग न किया हो कि आकाश का रंग कैसा है तो तुरंत क्या बताएगा, नीला है। तो क्या सचमुच में आकाश का रंग नीला है, आकाश की सत्ता ही नहीं उलापन है, किंतु अपने राम को नीला नीला दिखता है कि नहीं। ये हमारी आंखों की देखने की क्षमता जहां समाप्त हो जाती है
वह आपको नीलापन नजर आने लगता है कि नहीं, आंखों की एक क्षमता है। ऐसे कितनी बातों को हम आपके सामने रख सकते हैं। इसलिए जितनी मान्यताएं हैं, अच्छा कई बार हमारी मान्यताएं इतनी प्रबल होती है कि उस मान्यता के विपरीत यदि कोई हमको कुछ बताना चाहे तो हम स्वीकार ही नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी मान्यता इतनी प्रबल है कि महाराज दूसरे की बात हम कभी मानने को तैयार होंगे ही नहीं, क्योंकि हमारी मान्यता इतनी दृढ़ हो गई है। मैं यहां जब आया स्वामी जी के चरणों में ऋषिकेश में, तो कई बार स्वामी जी की कथा सुनाते रहते हैं। वो अपने ने शास्त्र तो पढ़े नहीं थे, स्वामी जी को महाराज एक बार वो बोला स्वामी जी ने, तो स्वामी जी की बात में बिल्कुल दृढ़ता के साथ स्वीकार करता था, जो ये कह रहे हैं बिल्कुल सत्य है, क्योंकि तो अपने नाम तो उन शास्त्रों को पढ़े नहीं थे। तो स्वामी जी ने बताया कि भरत नाम के राजा के नाम पर ये राज्य बना। तो मैंने ऐसे सहज में जाकर महाराज जी से पूछ दिया कि राम जी के भाई थे वही भरत के नाम से, तो महाराज जी ने कहा हाँ वही भरत के नाम से। और फिर अपने राम ने सोचा कि वही जड़ भरत होंगे, वही भरत होंगे, वही राम जी के भाई भरत होंगे, वही शकुंतला के भरत होंगे, कई भरत हुए ना हमारे यहाँ। अपनी दृढ़ संकल्प इतना हो गया कि एक जगह हम लोग परीक्षा देने वाराणसी में गए थे, परीक्षा देने के लिए गए तो विद्यार्थियों में बहस हो गई। अब विद्यार्थी तीन चार थे, उन लोगों ने कहा कि ऋषभदेव जी के भरत जी महाराज थे जिनके नाम से ये भारतवर्ष बना। अपने ने कहा कि नहीं दशरथ के भरत जी थे, बड़ा बहस हुई उसमें, और अपने राम सब विधि से उसी को सिद्ध करना चाहते थे। फिर बाद में 500-500 रुपए का इनाम रखा गया जिसकी बात सही हो जाएगी। तो कहा ये पता कैसे लगाया जाए भागवत में, तो गंगा किनारे हम लोग बैठे थे, भागवत ग्रंथ ही नहीं मिला, और जब भागवत ग्रंथ नहीं मिला तो हमारे 500 रुपए बच गए, नहीं तो अगर मिल जाता तो 500 रुपए भी चले जाते और झूठे भी सिद्ध होते। किंतु वो इतना दृढ़ पक्का था हमारे चित्त में, मतलब पत्थर की लकीर थी वो। किंतु जब हमने श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन किया वृंदावन में जाकर के, तो सारी ग्रंथि वो खुल गई कि नहीं खुल गई। इसलिए ग्रंथों का अध्ययन करने से ही ग्रंथि खुलती है। किंतु ग्रंथन ये कौन से ग्रंथों का अध्ययन करें, छह शास्त्र, अगर दूसरे ग्रंथों को आप पढ़ोगे तो ग्रंथि और लग जाएगी, उलझती जाएगी ग्रंथियां, हम ग्रंथि सुलझा ही नहीं पाएंगे उन शास्त्रों की बात। इसलिए जिन चीजों को हम देख रहे हैं इंद्रिय जन्य प्रमाण, हम कई बातें कहें इंद्रिय जन्य प्रमाण भी झूठे होते हैं। इसलिए इंद्रिय जन्य प्रमाण और विचार जन्य प्रमाणों पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। कई जगह हम पुराणों में आपको सुनाए, भगवान कपिल के पास में एक घोड़ा बंधा है, एक दर्शन है, सामान्य दर्शन, दर्शन के लिए तीसरा व्यक्ति कोई नहीं है, एक घोड़ा है और एक कपिल जी बैठे हैं। उधर चारों तरफ मारा तीन तरफ तो समुद्र ही समुद्र है, थोड़ा आने का रास्ता है जहां और कोई दिखता नहीं है। जब सगर के बेटे वहां पहुंचे तो सगर के बेटों का मारा सगर जी का घोड़ा चोरी हो गया था, तो घोड़ा जिसके पास नजर आएगा तो सामान्य व्यक्ति अनुमान ज्ञान से क्या ज्ञान लगाएगा, भाई जिसके पास घोड़ा है वही तो घोड़ा लाया है, दूसरा तो घोड़ा कोई ला सकता, अच्छा दूसरा लाएगा तो इनके यहां क्यों बांधेगा। और हमारे प्रकोष्ठ में महाराज यदि कोई रुपया रख जाया करके कहीं से भी, हम लोग तो बाहर बड़ा सजग रहते, अभी मैं कहीं बाहर जा रहा था और किसी माता जी ने महाराज मिठाई दे दी, और मिठाई देकर और भी कुछ सामान डाल दिया, उनका बेटा था बाहर विदेश में, चलते समय अपने राम को पकड़ा दिया कि हमारा बेटा एयरपोर्ट पर आएगा उसको दे देना, उसमें ताला भी लगा दिया और ताला का नंबर मेरे को नहीं बताया, ताला नंबर वाला था, फोन में अपने बेटे को बता दिया कि ये नंबर है, तुम्हारे पास थैला मिले तो तुम खोल लेना। संयोग से मैंने महाराज जब डाला वो मशीन में गया तो मशीन गड़बड़ाई, उसमें कुछ था माल, उन्होंने पूछा किसका थैला, हमने कहा थैला तो मेरा है, बोले ताला खोलो, हमने कहा इसका नंबर बता दिए, मेरे को नंबर पता भी नहीं था, अब जिन्होंने दिया था उनको फोन लगाए, फोन भी नहीं उठाए। वैसे पुलिस वालों ने कहा कि सब बताओ ताला तोड़ो उसको, ताला तोड़ा गया, उसमें उन्होंने कुछ ऐसा पदार्थ रख दिया था
अपने बेटे के लिए थी दवा वो, किंतु थी नशा। वो तो भगवान की कृपा थी। वो सामने वाला अधिकारी मेरे से बोला, महाराज जी आप महात्मा हो और आप कह रहे हो दूसरे का थैला है, नहीं तो इसके आधार पर आपको हम जेल भेज सकते हैं, दूसरा कोई रोक नहीं पाएगा आपको। तो हमारी प्रार्थना, उसने कहा आज के बाद किसी का सामान ऐसे कभी मत देना, नहीं तो सामान में कोई कुछ भी दे देगा तो प्रमाण जन्य ज्ञान के आधार पर क्या होगा कि आपके हाथ में है इसलिए आपका है और हमारा है नहीं, क्योंकि हम तो जानते भी नहीं है। तो ये प्रमाण जन्य ज्ञान भी जब तक पूरी घटना का पता न हो, एक बार तो हम पकड़े जाएंगे, बाद में वो स्वीकार करे न करे अलग बात है। तो कपिल भगवान के विषय में क्या हुआ, ये अपराध बन गया कि नहीं सगर के बच्चों का? उन्होंने तो अनुमान ज्ञान से ही सोचा कि घोड़ा इनके पास बना है तो निश्चित रूप से लाने वाला व्यक्ति यही, और कपिल भगवान को इतनी कड़वी कड़वी बातें सुनाई। वो कपिल भगवान ने आंखें खोली तो जलकर राख हो गए। तो देखो, दृष्टि जन्य ज्ञान, बुद्धि जन्य ज्ञान, अनुभव जन्य ज्ञान, ये ज्ञान भी कई बार झूठे होते हैं। आंख जैसे आपका उदाहरण है, नासिका का भी कई उदाहरण दे सकते हैं आपको। इसलिए शास्त्रों में यदि कोई प्रमाण स्वीकार किया जाता है तो श्रुति प्रमाण, श्रुति प्रमाण के आधार पर यदि अपना अनुभव प्रमाण हो तो सफल है। अगर स्वतंत्र अपना अनुभव प्रमाण है और श्रुति के आधार पर नहीं मिलता है, आपको बताएं पुराण और वेद में यदि दोनों में भेद हो तो पुराण की बात झूठी मानी जाएगी, वेद की बात सच मानी जाएगी, क्योंकि श्रुति प्रमाण है, बाद में स्मृति प्रमाण है, पहले श्रुति प्रमाण है। इसलिए जो जगत आपको दिख रहा है, अब हमारी बुद्धि के आधार पर, इतिहास के आधार पर, सब लोग तो यही कहते हैं इतने वर्ष पहले महाराज ये पैदा हुआ था, ऐसे राजा हुए, ऐसे हुए, सब लोगों की मान्यता तो यही है, किंतु श्रुति की मान्यता क्या है कि ये कभी पैदा हुआ ही नहीं है, केवल यह दिख रहा है। तो यदि श्रुति प्रमाण के आधार पर हम मानेंगे तो निश्चित रूप से महाराज हम उस मोक्ष पद तक चले जाएंगे। उसके बाद में यहाँ वर्णन किया गया है कि वह देवी का भी शरीर छूटा और वह देवी सीधे महाराज वहां गई जहाँ राजा का शरीर रखा हुआ था और सब लोग सो रहे थे। एक ही रात्रि में इतनी सारी घटना घट रही है, सब काल इतनी महाराज, सब देश काल वस्तु सब बाधित हो गए थे, तीनों को यहाँ बाधित कर दिया गया, देश भी बाधित हो गया, काल भी बाधित हो गया, वस्तु माने व्यक्ति भी बाधित हो गया, शरीर भी बाधित हो गया, तीनों को बाधित। महाराज वहां गए तो सब लोग अभी तो सो ही रहे थे और इसका लीला का भी शरीर वहां रखा हुआ था सामने, लीला जाकर बाद में प्रविष्ट होती है। और तब तक इधर जब राजा का शरीर पूरा हुआ था या प्रारब्ध के आधार पर, तब तक लोगों में भी गया, इतना भी समय लगा इसको, धर्मराज के यहां भी गया, तब तक लोगों के यहां जा करके, किंतु पूर्व वासना के आधार पर घूम करके फिर उसको उसी शरीर में आना पड़ा। मेन बात जो इस दृष्टांत से जानने लायक ये है कि वासना कितनी प्रबल होती है, वासना कितनी प्रबल होती है कि महाराज इतने जन्मों तक घूमने के बाद भी उसको यहां आना पड़ा। और दूसरी बात ध्यान देने लायक ये भी है कि वह देवी भी इनके साथ में, क्योंकि उस देवी की भी वासना यही थी कि मैं भी इनके साथ ही रहूं। वे पुराण में पढ़ रहा था वासना कितनी प्रबल होती है, तो कितने कितने जन्म तक वह महाराज निभाती है। अगर आपस में ज्यादा प्रेम हो गया तो वासना प्रबल कितना चक्कर कटाए, किसी के भी समझाने से छूटे नहीं। पुराण में तो ऐसी विलक्षण घटना वर्णित है इस वासना के बारे में, वहां तो वर्णित है एक सज्जन थे, उनको महाराज नारद जी महाराज की बड़ी कृपा मिली। अब इतने बड़े संत की कृपा का भी लाभ नहीं ले पाए, संतों ने उनको बहुत समझाया कि संसार ये स्वप्नवत है और ये संबंध भी स्वप्नवत है, इनके चक्कर में मत पड़ो। उन्होंने कहा कि वैसे तो आपकी बात बिल्कुल सत्य है, किन्तु मैं क्या करूं, हमारी बहू ठीक नहीं आई है और बेटा हमारा सीधा साधा है, अभी थोड़े दिन तक हमको, अभी आज हमको कोई कह रहा था कोई साधक
बोले इनका छोटा वाला बेटा गड़बड़ तो उसको संभालने के लिए मैं चाहता हूँ ये उनके साथ बने रहने का ठेकेदारी है क्या भाई, ये राग ही है अपना। सब जीव अपना अपना प्रारब्ध लेकर के आए हैं, अपने को अध्यात्म में बढ़ाने के लिए किसी की भी परवाह नहीं करनी चाहिए। तुलसीदास जी महाराज की बात तो और क्रांतिकारी है। तुलसीदास जी महाराज तो कहते हैं तजिए ताई कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही जाके प्री नाम रह दे, तजिए ताई कोटि बैरी सम। उदाहरण दे दिया, इसमें भागवत धर्म ऐसा लक्षित हो जाता है, कहा कि यदि महाराज छोड़ देंगे कहीं तो व्यवहार हमारा खराब न हो जाए, हमारी जिम्मेदारी नष्ट न हो जाए। बोले तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महातारी, अब पिता का परित्याग कर दिया जाए तो उससे बड़ा पाप और क्या होगा। किंतु महाराज छोड़ दिया कि नहीं, श्री प्रहलाद जी महाराज ने अपने भाई का परित्याग, तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु, विभीषण ने अपने भाई का परित्याग कर दिया, भरत जी महाराज ने अपनी मां को कभी दोबारा मां कह करके नहीं पुकारा, तो क्या उनका अमंगल हो गया। बोले बिल्कुल अमंगल नहीं हुआ। एक दिन सुन रहे थे भरत जी का महाराज को इतना बढ़िया भाव लगा किसी संत के द्वारा, हम जिन भावों पर बलिहारी हो जाते हैं कई बार हृदय भर आता है। जब भरत जी महाराज लौट कर ननिहाल से आए, दशरथ जी महाराज का शरीर पूरा हो गया था, तो आरती आदि मां ने उतारी, और बाद में जब सब घटना पता चली भैया भरत को, तो भरत भैया बहुत नाराज हुए और नाराज होकर के बोले आज के बाद तेरे को मैं कभी मां नहीं कहूंगा। नाराज होकर के तो कहके ही मां ने कहा कि भरत तेरे से तो अच्छा मेरा नाम है, तेरे से तो अच्छा मेरा नाम है, क्यों कहा राम अच्छा है। बोले तेरे लिए मैंने वैधव्य सहा, तेरे लिए मैंने गद्दी मांगी और तू मुझे मां कहने के लिए तैयार नहीं, उसकी राज उसका राज छीन लिया, उससे सर्वस्व छीन लिया, कि उसके बाद भी वो हमको मां मां करके ही गया, मां मां करके ही प्रणाम करके गया। ये सुनकर के भरत जी महाराज के चित्त में इतना आनंद आया, और वो महात्मा तो हमारे कह रहे थे भरत जी महाराज ने सोचा कि हमारा ऑपरेशन सफल रहा। उन्होंने कहा हमारा ऑपरेशन सफल रहा, मैं यही तो बताना चाहता था मां को अपने कि देख मां मेरे से हजार गुना तेरा राम श्रेष्ठ है, तूने राम से मेरे को श्रेष्ठ माना, तभी तो ये बवाल कर बैठी तू। तो कहा हमारा ऑपरेशन सफल रहा, तो तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महातारी और महाराज ब्रजवृंदाओं ने कंत का परित्याग कर दिया, पति का परित्याग कर दिया, तो वे सब मुद मंगलकारी। अच्छा ध्यान रखना नारायण, इसमें एक बात यही है, अगर अपनी स्त्री का परित्याग करके हम दूसरी स्त्री का ग्रहण करते हैं तो नरक जाएंगे, अपने बेटे का परित्याग करके यदि हम दूसरे बेटे को पकड़ते हैं तो हमारा पतन हो गया, किंतु अपने बेटे को छोड़कर हम ठाकुर जी को पकड़ लेते हैं तो हमारा उत्थान हो गया, अपने पति को छोड़कर हम परमात्मा को पति मानकर उधर बढ़ जाते हैं तो हमारा उत्थान हो गया, हमारा पतन नहीं है। भगवान की ओर जो कदम बढ़ते हैं वह कदम बिल्कुल वैराग्य पूर्ण है और वह हमारे जीवन में क्रांति लाने वाले हैं। इसलिए महाराज यहां इन्होंने बात कही राम जी को, हमारे वशिष्ठ जी महाराज ने, कि इनके जीवन में जो दशा दस की कितनी वासना प्रबल होती है। मैं सुनाना ये चाहता था कि सबको ये वासना ही है, हमारा मन बोल रहा है कि वासना बोल रही है, ये ध्यान रखना चाहिए। अगर शास्त्रीय विधि से हमारा मन मिल रहा है तो भगवान बोल रहे हैं। कई बार ये मन हमारा इतना चालाक है महाराज, ये भगवान का रूप धारण करके भी आ जाता है, इससे बढ़िया को रुपया दुनिया में कोई नहीं मिला है। मैं तो कई बार देख करके देखता हूँ उसको, ये भगवान भी बन जाता है कि मैं भगवान हूं और मैं कह रहा हूं मेरी बात मान लो, और होता ये बावरा मन है, इतना बहुरूपिया है ये मन। इसलिए बहुत शास्त्र विरुद्ध यदि कोई भी क्रिया क्यों ना हो, चाहे वो भगवान भी क्यों ना कह रहे हो, इसलिए ध्यान रखना चाहिए, शास्त्र विरुद्ध कोई क्रिया क्यों ना हो यदि वह भगवान भी कह रहे हैं तो स्वीकार करने लायक नहीं है, क्योंकि शास्त्र प्रमाण भगवत प्रमाण से ज्यादा है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि भगवान का रूप धारण तो कभी मन भी ले लेता है, कोई बहुरूपिया भी भगवान बनकर आ जाएगा हम थोड़ी पहचान पाएंगे,
ये भगवान सचमुच के भगवान है। हम तो कई बार हमारे तो मन में झगड़ा होता रहता है, मन के साथ हमारी सबसे बड़ी दुश्मनी है। इतनी हम यदि कहीं दुश्मनी किसी से है तो हमारी मन से ही है और किसी से नहीं है कहीं। तो मन जब झगड़ता है और बुद्धि में दोनों में टकराव होता है तो मन इतनी इतनी युक्ति ढूंढ ढूंढ के लाता है, आपको क्या कहें। ऐसा वकील भी दूसरा नहीं होगा, ये इतने बड़े बड़े प्रमाण इकट्ठा करेगा कि अमुक महात्मा ने भी तो ऐसे किया था, तुमको करने में क्या दिक्कत है, और अमुक महात्मा ऐसा करते थे तुम भी कर लो, अमुक महात्मा ऐसे करते थे तुम भी कर लो। तो सारे ही जब प्रमाण इकट्ठा करके लाता है तो मैं उसको बहुत डांटता हूं कि तू इतना बदमाश है कि तेरे चक्कर में यदि पड़े तो दो चार जन्म हमको और लेने पड़ेंगे, इस मन के चक्कर में यदि पड़े तो फिर दो चार जन्म का चक्कर और पड़ गया कि नहीं पड़ गया, क्रम ही बदल जाएगा जी। क्योंकि ये जन्म जन्म की वासना इस मन में भरी हुई है, जन्म जन्म के संस्कार भरे हुए हैं। अब देखिए तो सही, भगवती की कृपा होने के बाद भी लीला ने पुनः उसी हड्डी मांस के पुरुष का ही संग मांगा। हम तो कहते हैं ऐसे मिल जाए तो कहती है कि अब इस क्या मुर्दे को रखना है, आज नहीं तो कल ये मुर्दा होने वाला ही है। और तब भी माया ऋषि को मांगा, ये माया का और मन का ही खेल है। मन और माया ज्यादा फर्क नहीं है, मन और माया में ज्यादा फर्क नहीं, माया ही का रूप ये मन है, माया का रूप। यहाँ पर भगवान श्री राघवेंद्र सरकार ने पूछ लिया गुरु जी को प्रणाम करके कि गुरु जी आप कृपा करके हमको बताइए ये मन का स्वरूप क्या है और ये मन बना कैसे है, मन का स्वरूप क्या है और मन बना कैसे, ये हम सुनना चाहते हैं। तो हमारे श्री वशिष्ठ जी महाराज ने मन के बारे में बताना प्रारंभ किया है। तो जो मन के बारे में बताए बड़ा सुंदर दर्शन है, इसका विशद में सायंकाल ही महाराज वर्णन करूंगा। क्योंकि तो मन की यदि गति समझ में आ जाए, भाई बात यह है जैसे भागवत आदि ग्रंथों में अधर्म के वंश का भी वर्णन है, अधर्म के वंश का भी वर्णन है। मैं सोचता था कि अधर्म के वंश का वर्णन क्यों किया गया, फिर हमको समझ में आ गया। जैसे कई बार आप लोगों ने स्टेशनों में खोए हुए व्यक्तियों की तो फोटो मिली जाती है देखने को, किंतु कई बार चोर और आतंकवादियों की भी फोटो लगी रहती है, चोर और आतंकवादियों की भी फोटो लगी रहती है कि आतंकवादी है चोर है, इनको पहचान लो, कहीं मिले तो आप भी बच जाओ और सूचना भी दे दो। ऐसे ये मन रूपी भूत को यदि आप पहचान लोगे, मन रूपी आतंकवादी को यदि पहचान लोगे तो कम से कम आप भी सजग हो सकोगे और दूसरों को भी सजग कर सकोगे कि ये मन की विचारधारा है, ये शास्त्र की विचारधारा नहीं है, ये मन की चाहत है शास्त्र की चाहत नहीं है। इसलिए महाराज के मन के बारे में राम जी ने पूछा है तो हमारे श्री वशिष्ठ जी महाराज ने बड़े सुंदर ढंग से महाराज इनको समझाया है कि कैसे कैसे अष्टांग वाले शरीर में ये मन की क्या स्थिति है, इसका वर्णन आज सायंकाल करेंगे। सायंकाल एक राक्षसी का और वर्णन आने वाला है, ऐसी दिव्य राक्षसी है भाई ने भाई, आज उसका सुबह तो मैंने उसको पूरा पढ़ा है उस राक्षसी के बारे में, ऐसी महाराज वो सूचिका बन करके लोगों के साथ लग जाती है और परकटी है कि करकटी है पता नहीं, करकसा है कौन है, बड़ी विलक्षण है वो राक्षसी। ऐसे ऐसे नाम वर्णन किए गए हैं, हमको तो पढ़ करके बड़ा आनंद आता है, बैटरी चार्ज हो जाती है इनको जब हम पन्ने पढ़ते रहते हैं, इनको इतना आनंद आ रहा है इसका चिंतन करके। ये तो करुणा भी हमारी दीदी के आज कोई पूछ रहा था कि किसने आपको ये विषय दे दिया, हमने कहा दीदी ने दिया है, मेरा तो मन था, हाँ ये सच बात तो मोटू ने दिया, मन तो इन्हीं का था, निमित्त बना लिया, नहीं तो महाराज में तो कोई भागवत का विषय लेकर बैठ जाता, रामायण का विषय लेकर बैठ जाता, तो उन्होंने महाराज सोचा होगा कि कम से कम इनकी परंपरा के ग्रंथ है ना, हम लोगों के हम सन्यासी हैं, सन्यास परंपरा में बढ़ रहे हैं तो उनके ये ग्रंथ है, तो हम लोग चिंतन नहीं करेंगे तो कौन करेगा इसका, हम लोग नहीं पढ़ेंगे तो कौन पढ़ेगा, इसलिए उनकी कृपा ही है कि इसमें सम्मिलित कर दिया। बड़ा आनंद आ रहा है इसका चिंतन करके, अच्छा वो भी आनंद ले रहे हैं क्योंकि उनकी चर्चा है ना, वो तो आनंद लेंगे ही लेंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान।